प्रॉब्लम 17, वसीम एंड कलीम आर इन नीड ऑफ फंड्स। वसीम और कलीम को पैसों की जरूरत है। फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन वसीम ड्रॉज अ बिल ऑन कलीम फॉर पीस 12,000 एट 2 months व्हिच कलीम एक्सेप्ट्स। वसीम साहब ने बिल ड्रा कर दिया जी कलीम के ऊपर 12,000 रुपए का 2 महीने के लिए। वसीम गेट्स द बिल डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक 12% पर एनम। वसीम साहब ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया एंड सेंड्स हाफ ऑफ द प्रोसीड्स टू कलीम, और हाफ बिल की अमाउंट किसको भेज दिया? कलीम को। Before the due date, Wasim sends the remaining amount due to Kaleem and Kaleem pays the bill on the due date. Due date से पहले Wasim ने remaining amount भी भेज दिया Kaleem को ताकि वो bill pay कर सके। तो due date पे bill pay हो गया, Kaleem ने bill pay कर दिया। Past entries in the books of Wasim and Kaleem, दोनों की books में आपने entries कर दी है। Date नहीं है तो आपने लिखनी भी नहीं है, ठीक है? तो Wasim जब draw करेगा bill Kaleem के ऊपर तो क्या entry करेगा? Bill receivable on debit और Kaleem को क्या करेगा? Credit। आपको बिल ड्रॉ करने की एंट्री आनी चाहिए। कितने का जी? 12,000 का, ठीक है? कलीम पे बिल ड्रॉ हुआ, कलीम की एंट्री क्या करेगा? वसीम को डेबिट करेगा और बिल पेपर को क्या करेगा? क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 12,000 से, ठीक है? उसके बाद वसीम ने बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से, 2 महीने का मिला, 2 महीने का डिस्काउंट ले लिया। डिस्काउंट आपको पता है हम कैसे लेते हैं, बैंक ऑन डेबिट, बिल बैंक को सेल कर दिया, डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है? बिल रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 12,000 से। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे आपको पता है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है डिस्काउंट का? 12% मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, 2 महीने का मिला मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है? डिस्काउंट कितना आ गया? 240। डिस्काउंट आ गया 240, बैंक में कितनी अमाउंट आई जी? 11,760। ड्राइस की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, बैंक की बुक आप बनाना चाहें तो बना लें, रिक्वायरमेंट नहीं है। अकोमोडेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें बैंक की बुक की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, लेकिन आप बनाना चाहते हैं तो बनाओ, ठीक है? आपकी मर्जी है। अब उसके बाद हाफ पर सीट डिस्काउंट कराने के बाद क्लेम को भेज दिया। हाफ पर सीट क्या? बिल का हाफ लेगा आपने, 12,000 का हाफ लें, क्लेम को डेबिट करें 6,000 और कैश या बैंक दोनों में से मैंने बताया आप किसी एक को डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है? कैश या बैंक, स्लैश का मतलब है या कैश क्रेडिट कर लें या बैंक क्रेडिट कर लें, आपकी मर्जी। और डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, जाहिर है जब हाफ और सीट शेयर करेगा तो डिस्काउंट भी हाफ शेयर होगा। एक्सपेंस हाफ कितना? 120, एक्सपेंस की डिक्रीज क्रेडिट हाफ शेयर कर लिया उसके साथ। और कैश कितना आएगा जी? 5880, ठीक हो गया? अगेन क्लीन के पास कैश है, क्लीन कैश को या बैंक को डेबिट करेगा, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेगा, एक्सपेंसेस ने आप शेयर कर लिया, क्रेडिट किसको करेगा? वसीम को। कितना कैश आया जिसके पास? 5880, डिस्काउंट इसने आप शेयर कर लिया 120, वसीम को कितने से क्रेडिट करेगा? 6,000 से। अब डिस्काउंट देखें, पहली प्रोसीड में ही जब पहली उसको अमाउंट भेजी हाफ बिल की, उसमें ही डिस्काउंट सारा शेयर कर लिया हाफ, तो नेक्स्ट जब भेजेगा ना रिमेनिंग अमाउंट बिल पे करने के लिए तो फिर सारा डिस्काउंट तो पहले शेयर कर लिया, ठीक है? रिमेनिंग अमाउंट भेज दिया जी बिल से, ड्यू डेट से पहले रिमेनिंग अमाउंट भेज दिया आप क्लेम को डेबिट, पहले 6,000 भेजा, रिमेनिंग रह गया 6,000, कैश या बैंक क्रेडिट 6,000 रिमेनिंग भी भेज दिया, क्योंकि बिल पे किसने करना है? क्लेम ने। क्लेम डेबिट क्या करेगा? कैश या बैंक, और क्रेडिट किसको करेगा? वसीम को। कितना से? 6,000 से। अब ड्यू डेट पे बिल पे किसने करना है? क्लीन ने, क्योंकि इस पे बिल ड्रॉ हुआ है, ये देखें बिल पेबल अकाउंट डेबिट इसने पे कर दिया और कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 12,000। अच्छी तरह पहले आपने प्रॉब्लम को रीड करना है इसके, फिर आपने इसको मेरे साथ सॉल्व करना है, ठीक है? अगेन देख लें आप, बिल ड्रॉ हुआ, डिस्काउंट हुआ और रिसीट शेयर की, फिर रिमेनिंग शेयर की। देखिए ये बिल जो है वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ड्रॉ किया वसीम ने, तो ऑब्वियसली ये पैसे भेजेगा कलीम को तो ही कलीम बिल पे करेगा। आपने इस पॉइंट को समझना है। बिल डिस्काउंट करवाने के बाद हाफ अमाउंट भेजी, फिर हाफ भेज दी ताकि वो अपना बिल पे कर सके, फिर कलीम ने रिसीव करके बिल अपना पे करा। इसको आप लोग नोट करें।